नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जिले चंपारण के लोकप्रिय युवा समाज सेवी सह तिरुपति शुगर मिल बगहा के एमडी दीपक यादव जी के कर कमलों से प्रखंड रामनगर के ग्राम पंचायत खटोरा बेली बेलवा विद्यालय के समीप सैकड़ों असहाय वृद्ध महिला पुरुष विकलांगों के बीच सूखा राशन पैकेट का वितरण किया गया, जिसमें दूर दूर से ग्रामीण क्षेत्रों से आए वृद्ध मुस्मात कलावती विकलांग रमेश यादव ने बताया जो काम सांसद विधायक को करना चाहिए वो कार्य दीपक यादव जी द्वारा किया जा रहा है। साथ ही चौमुखा विकास होगा ऐसा करने से कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि सुरेंद्र यादव ने किया। उक्त अवसर पर एमपी सिंह रविकेश पाठक मोतीलाल जी समेत क्षेत्र के ग्रामीण उपस्थित रहे। बिहार पश्चिम चंपारण से ब्यूरो जय सिन्हा की रिपोर्ट। आपका परिचय? मेरा नाम दीपक यादव है और मैं आपके चंपारण का एक छोटा सा समाज सेवी हूँ। और हमें जब कोरोना 20 मार्च 2020 में चालू हुआ लॉकडाउन, तो हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने बोला कि सर बहुत सारे जो डेली खाने कमाने वाले मजदूर लोग हैं उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है इसमें लॉकडाउन में। तो हमने एक छोटा सा कोशिश करी थी एक वार्ड में बगा के कि जो डेली वेज वर्कर या गरीब लोग हैं उनके बीच में उनको राशन देने की, मगर जब करते करते बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखने को चंपारण में मिला और आज हम खटौरी पंचायत में आने का सौभाग्य मिला है सब लोग।